So hello and welcome to MSCA classes. Today we are going to do coordinate geometry. Coordinate geometry में सबसे पहले हमारा आता है distance formula. जब हमें distance निकालना है सबसे पहले आप देखो cartesian plane होता है हमारे पास cartesian plane है. cartesian plane में हमारे पास दो points है. इस तरह से हमारा cartesian plane है. तो इसमें हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस है. ये हो गया आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस. यहां पे ओरिजिन जहां पे जीरो एंड जीरो, x जीरो y जीरो. तो इस पे आप क्या करते हो, पॉइंट प्लॉट करते हो. और यहां पे अगर मान लो कोई पॉइंट इस जगह पे है, इस जगह पे कोई पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे है कहीं, ठीक है, इस पॉइंट इस जगह पे, और आपसे पूछा गया है कि इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो. तो आप इजीली डिस्टेंस को निकाल सकते हो. आप ना तो इसमें जो आपने आज तक पढ़ा डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम वो अप्लाई आप नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसे लिख लो. डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम अंडर रूट, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी. डिस्टेंस ऑफ ए बी इज एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर. अभी राइट डाउन नोट डाउन मत करना, अभी बताऊंगा मैं. एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. अब ये एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन वाई टू क्या चीज है, इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट है मान लो ये वाला है, इसको हमने एक्स वन बोल दिया, ठीक है, एक्स वन वाई वन, ठीक है, इस तरह से एक्स टू वाई टू. तो इस तरह से हम इनको देते हैं कोऑर्डिनेट्स को, नेमिंग जो करते हैं हम एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास कांस्टेंट टर्म्स दी होगी जहां पे ये पॉइंट्स होंगे, तो आपको पुट करना है यहाँ पे. जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डिस्टेंस निकल के आएगा. उसी तरह से जैसे हमारे पास दिया गया है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2, 3 और दूसरा क्या है भाई 4, 1, 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1. तो अगर हम इसी कार्टेशियन प्लेन पे हम अगर इसे प्लॉट करना चाहे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. यहाँ पे प्लॉट करना आपको आ जाता होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे माइनस की तो टर्म नहीं है, आपको माइनस की और कोई कुछ जरूरत नहीं है दिखाने की. तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और इधर को 1, 2, 3, 4. आपको पता है पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, ये वाली, और ये नेगेटिव होती है, ठीक है. तो हमारे पास अब हम शो करते हैं पॉइंट्स को 2, 3, एक्स टू वाई थ्री. तो एक्स टू वाई थ्री इस तरह से यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको इधर जैसे पॉइंट आएगा सर इस जगह. हाँ जी बोलिए सर. सुनो आप गूगल पे पे हो? गूगल पे पे हूँ. टू कॉमा थ्री, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 4, 1, 4, 1. दूसरा आ गया आपका एक्स फोर वाई वन, इधर इस जगह 4, 1. ये हमारे पे बन, यहाँ पे बन के आया. इसका हमें डिस्टेंस निकालना है. क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, आवाज आ रही है ना मेरी,
आ रही है बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, इस वाले को ले लेते हैं एक्स टू वाई टू। तो आपको हर क्वेश्चन में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। तो एक्स टू यहाँ पे क्या है, फोर, तो यहाँ पे फोर लिख लिया। माइनस एक्स वन कितना है, यहाँ पे देखो इधर एक्स वन टू, तो यहाँ पे लिख ले गया हम टू। और बहुत इजी चैप्टर है ये, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ गया प्लस वाई टू। वाई टू देखो यहाँ पे क्या है, वाई टू है आपके पास वन, वाई टू देखो यहाँ पे कितना है वन, तो यहाँ पे वन लिख लेंगे वाई टू की जगह। माइनस और वाई वन देखिए थ्री होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लो, मेरे से पहले भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो फोर माइनस टू टू स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू स्क्वायर, ए बी इक्वल्स टू टू स्क्वायर फोर प्लस माइनस टू स्क्वायर फोर, सो ए बी इक्वल्स टू एट। एट को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू, सो जो पेयर बन रहा है उसको हम बाहर लिख लेंगे, टू का पेयर बन गया एक और टू अंदर ही रह जाएगा, इतना यूनिट्स इसका डिस्टेंस आएगा। आपको समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपको समझ आया कि नहीं आ गया सर। इजी था सर, सानिध्य इजी है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, इजी है, आसान है, आसान है। ओके तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। आप भी इसका जो सेकंड पार्ट है ये हम छोड़ देंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सर एक सवाल था सर, क्या चीज, सिंपलीफाई करना पड़ेगा आपको जब तक होता है तब तक, ठीक है? छोटी सर, हाँ जी जी बोलिए सर, आ गया होगा आपको, देख लेना एक बार। क्या चीज सर, वो हो गई होगी पेमेंट ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। पापा का फोन आ रहा है, मानव सर काट दो, मैं बोल दूंगा सर को। मानव को क्यों बोल रहे हो आपके? पार्ट थ्री यहाँ पे क्या बोला है, एक सर 128 को ब्रेक डाउन करो तो जरा, 120 रूट के लिए 128। यस सर, रूट 128 कहाँ आया? नहीं गलत है, गलत है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, हाँ हाँ रूट 52 आ रहा है। कैसे आया तेरा? चलो भाई यहाँ पे देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, मैं थर्ड पार्ट आपको करवा रहा हूँ, आप सेकंड पार्ट खुद कर लेना, आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना इस पार्ट को, इसमें x2 हमारे पास माइनस ए है, तो इस तरह लिख लेंगे इसको, पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस ए माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, सो ए बी इक्वल्स टू माइनस टू ए होल स्क्वायर प्लस माइनस, सर इसका आंसर टू ए प्लस टू बी होगा ना? हाँ कुछ इस तरह से आएगा, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए बी इक्वल्स टू फोर, हम कॉमन ले सकते हैं अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर का आपको पता है रूट बाहर निकल जाएगा टू और अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन आपको समझ आया, इजी था?
सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के भी स्क्वायर रूट तो हो सकते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो सकता है मुझे बताइए सर। ए स्क्वायर का ए और बी स्क्वायर का बी है? हाँ तो वही तो लिखा है मैंने। ए स्क्वायर का क्या हो सकता है? नहीं बेटा ऐसा देखो ऐसे नहीं होता। जब तक अगर ए स्क्वायर खाली होता है ऐसी तरह होता है फोर ए स्क्वायर होता तो टू ए का ए हो जाता। इसके साथ कुछ प्लस भी हो रहा है ठीक है फोर बी स्क्वायर। तो ये इस तरह था फोर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ब्रैकेट में है ये बाहर आ गया और ये अकेला नहीं है तो इसलिए ये इस तरह नहीं लिख सकते जैसा आप चाह रहे हो ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये समझ आया सानिध्य एंड अर्श? यस सर। यस सर। ओके सो मूव टू डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन नॉट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन खुद पढ़ लेना इसमें कुछ नहीं करने के लिए। एग्जांपल के बारे में कुछ दिया है वो हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम करते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ के सुनाइए जरा। कौन पढ़ेगा? सर डिटरमिन सर मैं बोल रहा हूँ डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1.5 2.3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं सबसे पहले ये सीखिए। देखो जो एक ही लाइन पे वो करते हैं। हाँ कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स लाइक दिस। कैसे? देखो अगर मैं एक लाइन लेता हूं मैंने एक लाइन ली अब यहां पे लाइन में मैं क्या करता हूं यहां पे ए यहाँ पे एसी एसी लाइन सेगमेंट है और बीच से इसमें बी लिख लेता हूं तो आप बता सकते हो क्या ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं है? है क्योंकि ये पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन ठीक है ये है ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे है इसलिए इन्हें कोलिनियर बोला जाएगा। तो ध्यान से सुनना जो नेक्स्ट बोलने वाला हूं मैं। यहाँ पे ध्यान से देखो अगर हम ऐसे लिखे क्या ए बी प्लस बी सी वो किसके बराबर होगा? ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर हम ए बी प्लस बी सी करें तो ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा तो अगर होगा तो हम इसे भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिए हैं देखो 1.5 सर अगर हम इसमें पॉइंट्स इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं जैसे अगर मैंने बी की जगह सी लिख दिया नहीं नहीं पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट सी है ठीक है। तो इन पॉइंट्स के बेस पे आपने क्या करना है ये फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर की कंडीशन हमने क्या की अगर हमारे पास ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर है अगर नहीं आए तो वो कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इनको इसको ए दे देते हैं इसको बी पॉइंट दे देते हैं इसको सी दे देते हैं सिंपल। सो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा आप दो पॉइंट ले लोगे ए एंड बी। बी आपके पास 2.3 है। अब हम क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा यहाँ पे मैंने एक्स वन ले लिया वाई वन एक्स टू एंड वाई टू। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं एक्स टू हमारे पास 2 है माइनस एक्स वन है हमारे पास 1 होल स्क्वायर प्लस वाई टू 3 - 5 होल स्क्वायर सिंपल। सो ए बी का डिस्टेंस हम निकाल देते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 - 2 स्क्वायर ठीक है। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास आ गया √5 यूनिट्स ठीक है। उसी तरह हम निकालेंगे किसका बी सी का डिस्टेंस
आपको अगर समझ ना आ रहा हो आप बोल सकते हो बीच में। तो BC में क्या क्या होगा, दो पॉइंट्स ले गए हम B, B हमारे पास है 2, 3 और C हमारे पास है -2, -11। सो x1 y1 x2 y2, अगर मैं ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूं तब भी आप बोल सकते हो, x2 हमारे पास है -2 -this one is your x1 whole square plus -11 -3 whole square। तो इसको कर लेंगे BC equals to -2 -2। अगर आपको समझ आ रहा हो, आपको बोलने के सिवाय आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो चैट बॉक्स में यस नो, -4 whole square प्लस ये बनेगा कितना -14 whole square। तो BC आपका आएगा 16 प्लस इसका होता है 196, हाँ 196 शायद यही होता है। तो यहाँ पे करेगा हम BC equals to 6 plus 6 कितना हो गया 12, 9 plus 1 10, 11 यहाँ पे आ जाएगा 2। एक मिनट 300 यार ये गलत कर दिया मैंने, आई थिंक सो 14 into 14 156 होता है शायद, है ना 196 ही होता है ना, ही होता है। चलो छोड़ो इसको यहीं पे रखो, क्या आया ये जो भी आया ये, फिर हम एसी निकालते हैं, पहले देखते हैं इसमें इसमें गलती हो चुकी है। एसी का आ रहा है 265, एसी का कितना है 265, रूट 265 और बीसी का निकालो जरा खुद। सर बीसी का 100 under root 212 नहीं आ रहा यार, 196 and 16 देखो ना अब कितना आ रहा है 6, 6, 12, 11, 2, 12 हाँ ठीक है ठीक है, अंडर रूट इसमें 212 आ गया। यस सर। अब आप ध्यान से देखो कि हम अगर इसको कैलकुलेट भी कर देंगे तो हम अगर देखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा कि ये कोलिनियर नहीं है, समझ आया आपको, जल्दी से बोल दीजिए क्वेश्चन फिर कर लेते हैं, टाइम हमारा होने वाला है, जल्दी से जल्दी से। यस सर आ गया, सिंपल था, इसमें आपने कंडीशन बस ये देखनी थी कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर अगर आए तो कोलिनियर है, अगर नहीं आए तो नहीं है। इसका हम एक क्राइटेरिया और भी करेंगे जब हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एरिया ऑफ ट्राइंगल में, वो वैसे इस बार कट किया उन्होंने सिलेबस से, बट उसमें हम वो भी करेंगे और उसमें बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप वहां भी कोलिनियर का अलग तरीका लगा सकते हो, उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, 3 मिनट बचे हैं, हाँ हो जाएगा क्वेश्चन। आपको क्या टेंशन होती है कि टाइम बचा है अभी या कम बचा है, सच बताना। सर टाइम कम बचा हुआ है इसमें, तो हम नेक्स्ट क्लास लगा लेते हैं और लगा लो सर। ठीक है अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चेक वेदर दिस दिस एंड दिस, तीन पॉइंट्स दिए आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो तीन पॉइंट्स दिए हैं, मान लो ए लिख लेते हम पहले वाले को 5, -2, बी हम लिख लेते हैं 6, 4 एंड सी 7, -2 c 7, -2। तो यहाँ पे आइसोसेलिस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स बराबर हो, तो यहाँ पे ए हम यहाँ लिख लेंगे, बी यहाँ लिख लेंगे, सी यहाँ पे लिख लेंगे। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे। अगर इनमें से दो के डिस्टेंस आपके सेम हुए तो ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, अदरवाइज ये आइसोसेलिस ट्रायंगल नहीं है। और इसका आंसर होगा यस, इसका मतलब इसकी दो साइड्स का डिस्टेंस सेम आएगा। क्या आप ये खुद कर सकते हो क्वेश्चन, क्या ये आपके करने के लायक है? यस सर। मानव कर लेंगे, इजी है, सानिध्य
यस सर हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, नेक्स्ट क्लास में कौन आना चाहते हैं, और अगर हम क्लास नेक्स्ट एक और करें 40 मिनट की, तो क्या आप आ पाओगे सभी? अभी एक और? हाँ इजी चैप्टर है, हो सकती है क्लास और। यस सर अर्श यस सर लगा लो। ठीक है ठीक है, तो ये वाली हम एंड करते हैं, अभी 2 मिनट के अंदर अंदर हम दूसरी स्टार्ट कर देंगे, मैं कॉल कर दूंगा आपको, ठीक है? अभी तो टाइम कम बचा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लंबा क्वेश्चन है, ठीक है? मानव पूरे 40 मिनट की होगी सर? हाँ वो पूरी होगी, ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन दे देगी उसमें जब हम काम करेंगे, लग जाएगा मुझे पता कि अब ठीक है इतना हो गया, ठीक है अभी कम हुआ हमारा, ज्यादा नहीं हुआ क्लियर, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। किसने भाई एडवांस में लीव कर दिया, एक मिनट, ठीक है ठीक है, एंड करते क्लास को। मिस्टर अर्श फिर से ज्वाइन करिए। ओके सर।